एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुक करते एक बड़ी खबर का जो मुरादाबाद से मिल रही है। ट्रेन में पाकिस्तानी युवती की मिली है और निखिल नाम के युवक को मिली है युवती। जीआरपी ने आईबीएलआईयू को इसकी जानकारी दी है। थाने में पाकिस्तानी युवती से पूछताछ जारी है। पुलिस को युवती ने अपना नाम हयाबी बताया है। युवती के पास से कोई भी वैध दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुए। देहरादून से मुरादाबाद आते समय युवती मिली और जब पुलिस से पूछताछ की तो युवती ने बताया कि उसका बैग खो गया है, जिसके चलते वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बता पा रही है। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन में पाकिस्तानी युवती मिली जिससे पूछताछ जारी है। अभी कोई डॉक्यूमेंट आना नहीं, लड़की से पूछताछ की। अभी आए हैं ये लोग, इनसे पूछताछ की जा रही है। कोई जांच एजेंसी के लोग आए अभी तक यहाँ? और सूचना दे दी गई है। क्या आपको संदिग्ध लग रहा है कोई मामला? आप लोग खुद समझदार हो, मुझे जो चीज जितना अधिकार है उतना अभी तक जो भी आपने देगा वो संदिग्ध। इन्होंने आकर के सूचना दी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां अजीबोगरीब मामला सामने आया। गोरखपुर जोन की 5 महिला सिपाहियों ने लिंग परिवर्तन की पेशकश कर दी है। आपको बता दें कि गोरखपुर, सीतापुर और गोंडा की 5 महिला आरक्षियों ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अपने लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी है। गोंडा में तैनात एक महिला आरक्षी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर लिंग परिवर्तन की अपील की है। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।